हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी अनसुनी कहानी वाला वीडियो का पार्ट चल रहा था, उसमें हमने दो वीडियो देख चुके हैं, बहादुर कलारीन की माची और उसी के साथ जो है कंकालीन माता का मंदिर। तो आज के वीडियो में जो हम पार्ट कवर करेंगे वो है डोंगरगढ़ में जो बम्बलेश्वरी मंदिर है, उसके बारे में कुछ कहानियों को जानेंगे कि वो मंदिर का निर्माण कैसे किया गया। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो है बलदेव प्रसाद मिश्र, जो कि जिनका जिक्र आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़े होंगे और कवियों में भी, जो बलदेव प्रसाद मिश्र की रचनाओं को हम पढ़ते हैं जो कि है छत्तीसगढ़ परिचय, तो जो उनकी बुक छत्तीसगढ़ परिचय उसमें उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया है। तो ये कहानी की सत्यता जो है बहुत ज्यादा, इसके प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं अभी कि ये कहानी जो है सही है, और उसके विषय में मैं अंत में आपको बताऊंगा भी क्या प्रमाण इसके लिए मिले हैं हमको अभी। इसके अलावा जो वहां पे पहले से डोंगरगढ़ की जो कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि वहां पर मुख्य रूप से कामसेन नामक एक राजा रहता था, डोंगरगढ़ का पुराना नाम कामवतीपुरी उन्हीं के नाम पर पड़ा था, उनकी संतान नहीं थी, तो बम्बलेश्वरी माता की जो है उनके उन आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति होती है, तो मंदिर बनाती है। कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन एक कहानी और है उसके पीछे जो कि बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने जिक्र किया था अपनी पुस्तक में छत्तीसगढ़ परिचय में, तो वही कहानी जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो कहानी मैं आपके लिए ला रहा हूं, ये इसके लिए भी मेरे को भी बहुत चीजें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही मैं आप तक ये पहुंचा पाता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो है डोंगरगढ़ का नाम डोंगरगढ़ इसलिए पड़ा, उन्होंने ये बताया कि डोंगर का या डोंगरी का जो अर्थ होता है वो होता है छोटा पहाड़। ये एरिया जो था पूरी तरीके से पहाड़ों व जंगलों से घिरा हुआ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में डोंगर का मतलब छोटा पहाड़ होता है, तो इसलिए इस नगरी को पहाड़ों की नगरी की नानी डोंगरगढ़ के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो उस समय डोंगरगढ़ के मालगुजार जो थे, यानी जिनको गोटिया भी कहा जाता था, वो एक प्रकार से क्रूर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल था, तो उनको जो है पशुओं से बहुत ज्यादा प्यार था, और उनके यहाँ जो जितने भी पशु थे और गांव के जितने भी पशु थे उनको चराने के लिए एक चरवाहा जाया करता था। तो एक दिन की बात होती है कि जो मालगुजार की सबसे प्रिय गाय रहती है वो गाभिन यानी गर्भवती रहती हैं, उनको जो है चरवाहा जो है जंगल में चराने ले जाता है, और चरवाहा उनकी गाय के साथ साथ गांव के जितने लोग हैं उनकी भी गाय को लेकर जंगल की ओर जाता है, तो गाय पूरे उनके जो समूह रहता है पशुओं को उसको बर्दी कहा जाता है। तो ये पेपर में पूछा भी गया था बर्दी के बारे में, तो जो बर्दी जिनको पूरे गायों के समूह को लेकर वो जो है जंगल में चराने जाता है, और हर रोज लाके जो है गायों को फिर जितने भी गांव में लोग रहते हैं जिनकी जिनकी गायें रहती हैं उनके यहाँ छोड़ देता है, तो ये प्रक्रिया वो चरवाहा रोज करता था। लेकिन एक दिन की बात होती है जब चरवाहा गांव से सभी गायों को लेकर और उस मालगुजार की प्रिय गाय को लेकर वहां जाता है जंगल की ओर, तो वहां पे वो जो गाय रहती है वो जंगल के जितने भी गायों का झुंड रहती है उनसे अलग हो जाती है। ठीक है, तो चरवाहा की जब नजर पड़ती है कि सभी गाय यहाँ पर दिख रही, लेकिन जो मालगुजार की प्रिय गाय है वही नहीं दिख रही है, तो बहुत व्याकुल हो जाता है कि अगर मैं उनकी गाय को लेकर नहीं गया वापिस, तो वो जैसे ही मैं गांव पहुंचूंगा या तो वो मेरे को मार देंगे या बहुत या मेरे को एक तरीके से उनको बहुत कष्ट देंगे या उन पर जुर्माना लगाएंगे, क्योंकि वो मालगुजार की प्रिय गाय थी। तो वो जो है अन्य गायों को छोड़कर उस गाय की तलाश में वहां पर लग जाता है, क्योंकि वो गाय गर्भवती भी रहती है, तो एक तरीके से उनकी रखरखाव करना अन्य गायों के अपेक्षा ज्यादा जरूरी भी रहता है। तो वो अन्य जितनी भी गायें रहती है उनको गांव के मुहाने में छोड़कर वापिस जंगल में जाता है और उस गाय की तलाश में लग जाता है। जब अंधेरा होने लगता है तो मालगुजार इस स्थिति को भांपता है कि अभी तक चरवाहे ने जितने भी गाय को लेकर गया वो अभी तक वापस नहीं आया, तो उनका मानना ये होता है क्योंकि उनकी गाय जो रहती गर्भवती रहती है तो कहीं ना कहीं वो उस गाय को बेच देगा और बेच के जो है कहीं दूसरे गांव में जाकर रहने लगेगा। तो वो एक पूरा दल तैयार करते हैं मालगुजार, अपने कम से कम 10 से 15 व्यक्तियों का एक दल तैयार करते हैं और सबको आदेश देते हैं कि आप जंगल जाकर जो है उस चरवाहे को ढूंढ के लाओ, और अगर वो मिलता है तो उसको वहीं पे मार दो और अब जो गाय है उसको छुड़ा के ले आओ।
तो जितने भी, जैसे ही वो तलाश में निकलते हैं गायों की, जो उन्होंने एक समूह बनाया रहता है, वो गाय की तलाश में निकलते हैं, तो सभी गाय जो है वो उनको गांव के मुहाने में मिल जाती है। सभी गायों को तो वापस ले आते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो जंगल में नहीं जा पाते, क्योंकि जंगल जो उस समय वहां पर रहता है, बहुत सारे जंगली जानवर वहां पर रहते हैं, तो वो गाय उनको नहीं मिलती, बाकी सब गाय उन्हें वापिस लेके आ जाते हैं। तो ऐसे ही जो जो वहां चरवाहा रहता है, बड़ी मुश्किल से वहां पर जंगल में गाय को ढूंढता रहता है, और वहीं पे पूरी रात गुजर जाती है, और उनको गाय मिलती नहीं। जैसे तैसे वो जान बचा के गाय को ढूंढते रहते हैं। जब सुबेरा होता है तो सब लोग यही मान लिए रहते हैं, क्योंकि जंगल में एक तरीके से जंगली जानवर है, तो वो गाय को भी खा लिए होंगे और उस व्यक्ति चरवाहे को भी मार दिए होंगे, यही मान लेते हैं। चरवाहा जो रहता है वो एक तरीके से हर जंगल में, हर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया रहता है, जा जाके गाय को ढूंढता है, लेकिन उनको गाय कहीं भी नहीं मिलती। और क्योंकि इसमें 3 से 4 दिन वो वापिस ही नहीं आता, जंगल में ही एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ घूमते रहता है, तो उसको कहीं भी वो गाय दिखती नहीं, और वो वापिस इसलिए नहीं आता क्योंकि मालगुजार उनको मार देगा, इसलिए गाय को ही ढूंढते रहता है। तो 3 से 4 दिन बाद होता है कि वो एक जो रहता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में उस समय गुफाएं बहुत रहती थी, तो वो एक पहाड़ी में जाके जो है गुफा में जाकर वहां पर बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो उस पाता है कि उस गुफा में जो है बातें, मतलब बोल चाल की उसको आवाज सुनाई देती कि कोई आपस में बातें कर रहा है। तो वो देखता है तो उसको दूर से एक दिव्य प्रकाश टाइप का दिखाई देता है, चमकीला प्रकाश वहां पर उसको दिखाई देता है। तो जब वो वहां जाकर देखता है झांक कर कि क्या हो रहा है, तो उसको दिखाई देता है कि वहां पर 7 माताओं का जो है एक, मतलब एक समूह रहता है, वो सभी माताएं जो है आपस में बात करते हुए रहती हैं, और उनके चारों तरफ दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, और 7 सिंहासन रहते हैं जिसमें वो माता बैठे रहती है, और साथ ही साथ जो है वो 7ों माता जो रहती है वो बहने रहती है, ऐसा उसका मानना होता है। और वो वहां पर जो है माता जहां पर बैठे रहती है सिंहासन में, वहीं पर नीचे जो है एक बाघ बैठा हुआ रहता है, और दूसरा बाघ जो रहता है वो वहां पर ऐसे गोल राउंड मारता हुआ रहता है, मतलब विचरण करता हुआ रहता है। तो उसने वो देखता है कि वो बाघ विचरण कर रहा है, तभी उसकी नजर जो है नीचे पड़ती है, तो देखता है कि जिस गाय को वो ढूंढ रहा था वो गाय वहीं पर बैठी हुई रहती है, और साथ ही साथ उसने बछड़े को जन्म भी दे दिया रहता है, और जो शेर विचरण कर रहा है वो गाय के चारों तरफ विचरण कर रहा है, यानी वो गाय को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। तो वो जैसे ही थोड़ा सा और करीब जाता है उस गुफा के, तो वहां पर जो गाय रहती है उसके एक प्रकार से उस चरवाहे की सुगंध गाय को मिल जाती है, तो गाय उठकर उस चरवाहे के पास चले जाती है, और माता को भी यह एहसास हो जाता है कि जो व्यक्ति, मतलब इसका रक्षक है, वो पहुंच चुका है, तो गाय उसके पास चले जाती है। तो जो माताएं आपस में बात करते रहती हैं वो आवाजें बंद हो जाती है, और माता जो है ध्यान में बैठ जाती है। तो वो जो चर और जो शेर रहता है, वो शेर जो है वहीं, एक शेर जो, दोनों शेर वहां पर, एक जो नीचे बैठा रहता है और एक विचरण करता रहता है, वहीं से जो है एक दूसरी गुफा का रास्ता गया रहता है, वही गुफा के अंदर सुरंग टाइप का रास्ता रहता है, वो शेर वहीं से सुरंग में चला जाता है, और वो जो चरवाहा रहता है वो गाय और उस बछड़े को अपने हाथ में उठाता है, और गाय के साथ जो है वो गांव में पहुंचता है। और गांव में आकर जब उसको सब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वो जिंदा कैसे है इतने दिन तक, और गाय भी जिंदा, और वो वापिस आता है तो सबको वहां पर वो बताता है कि ऐसा ऐसा चीजें वहां पर मेरे साथ हुई हैं। तो सब लोग वहां पे जाते हैं, तो वहां पर जो है माता तो नहीं दिखती, लेकिन उनके कुछ वहां पर सबूत मिलते हैं, जैसे कि उस समय चरवाहा देखा रहता है कि वहां पर कुछ खजाना पड़ा रहता है, वो वहीं पर रहता है खजाना भी, लेकिन शेर वेर ना तो माता वहां पे दिखती, लेकिन जो है ये स्टोरी वो सबको बताता है, तो सब प्रसन्न होते हैं और माता के प्रति आस्था दिखाते हैं। वहां पर बम्बलेश्वरी मंदिर का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो बताता है कि ये बम्बलई माता ही थी, और जो चर्च और उनके जो आजू बाजू थे, टोटल 7 बहनें थी, इसलिए आप कभी भी डोंगरगढ़ जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पर मंदिर बने हुए हैं, एक नीचे छोटी बम्बलेश्वरी माता, फिर ऊपर बम्बलेश्वरी माता जो है, बीच में और भी 2-3 मंदिर पड़ते हैं पहाड़ी में। इसके अलावा उस पहाड़ से ही पीछे तरफ अंबागढ़ चौकी वाला पहाड़ आता है, जहां पर अंबा माता का भी मंदिर बना हुआ है। तो जो वो सुरंग थी, उन्होंने ये बताया बलदेव प्रसाद मिश्र ने, जो शेर दूसरे सुरंग से वहां पे गए थे, अंबागढ़ जो दूसरी सुरंग जा रही थी, जो एक गुफा के अंदर से, वो अंबागढ़ पहाड़ी में ही जा रही थी, और वहीं पर अंबा माता का मंदिर बना हुआ है, ऐसा उनका कहना था, लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं था। लेकिन अभी जो है 6-7 साल पहले जो है वहां पर
पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रमनेंद्र प्रसाद रमनेंद्र नाथ मिश्र, उन्होंने वहां पर जो है खोज की तो उनको ये पाया, वो इतिहास के प्रोफेसर है, उन्होंने वहां पर खोज की तो उन्होंने एक रास्ता निकाला जो कि बम्बलेश्वरी मंदिर से लेकर नीचे जो पहाड़ी है वहां से एक सुरंग जा रही है और वही सुरंग जाकर जो है अंबागढ़ चौकी के पहाड़ी में जाकर निकल रही है। यानी जो सुरंग की चर्चा बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने वहां पर पुस्तक में की है वही सुरंग जो है वहां पे अभी प्राप्त हुई है, जो कि सीधा बम्बलेश्वरी मंदिर से जाकर जो है वो सीधा अंबागढ़ चौकी वाली जो पहाड़ी है अंबा माता का मंदिर है वही निकल रही है, जैसा कि उन्होंने स्टोरी में बताया भी है। तो इसमें जो है अभी और भी अभी उसमें काम चल रहा है, पुरातत्ववेत्ता उसमें काम कर रहे हैं, तो जल्द ही इसमें कुछ और भी अभी इसमें निकलेगा, कुछ जानकारी और प्राप्त होगी, तो अभी इसमें काम चल रहा है। तो यही चीज है, वहीं पर बम्बलेश्वरी माता का जो है मंदिर, जहां पे वो गुफा थी वहीं पर बम्बलेश्वरी माता का मंदिर बनाया गया उन्हीं मालगुजार के द्वारा, ऐसा बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने अपनी कहानी में बताया है और उसके प्रूफ भी हमको मिल रहे हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल जो बम्बलेश्वरी माता का मंदिर है काफी फेमस मंदिर है, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर नवरात्रि के समय जो है दोनों नवरात्रि के समय चैत्र अश्विन माह में दोनों तरफ वहां पे मेला लगता है। तो यही था डोंगरगढ़ की कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बम्बलेश्वरी माता का जो भी मैंने कहानी बताया आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।